आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम पिन कैसे बना सकते हैं एसएमएस के थ्रू। तो फ्रेंड्स, इससे अगले वीडियो में हम आपको बताए थे कि आप एटीएम मशीन के थ्रू आप अपना एटीएम पिन कैसे बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा आप एसएमएस के थ्रू आप अपना एटीएम पिन कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना एसएमएस एप्लीकेशन ओपन करना होगा। एसएमएस एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप न्यू एसएमएस में क्लिक कीजिए। न्यू एसएमएस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक नंबर टैप करना होगा, वो नंबर है 567676। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 567676 हम नंबर टैप कर दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज में टैप करना होगा, आपको यहाँ पर टाइप करना है पिन कैपिटल में PIN पिन स्पेस कार्ड का लास्ट चार अंक, यानी आप अपने कार्ड को देखिए वहाँ पर 16 अंक का कार्ड नंबर होगा, तो उसमें से आप लास्ट के चार अंक यहाँ पर टाइप कर दीजिए, उसके बाद स्पेस, उसके बाद आप अपना पासबुक ओपन कीजिए। आपके पासबुक में आपका अकाउंट नंबर होगा, आप अकाउंट नंबर के लास्ट चार अंक आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ये सब टाइप करने के बाद आपको एसएमएस सेंड करना होगा, जो नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है आप उस नंबर से मैसेज सेंड कीजिए। जब आप ये सब कुछ टाइप कर देते हैं तो आपको एसएमएस सेंड करना होगा उस नंबर से जो नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। तो यहाँ पर मेरा नंबर लिंक है एयरटेल का, तो हम यहाँ पर एयरटेल का सिम लगा है सिम वन में, तो हम यहाँ पर सिम वन से एसएमएस सेंड कर देते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देखे होंगे यहाँ पर हम एसएमएस में टाइप किए पिन 1234321, तो और यहाँ पर मेरा 3 रुपया कट चुका है। तो जब आप एसएमएस सेंड कर देंगे तो आपके मोबाइल से 3 रुपया कट जाएगा। 3 रुपया कटने के बाद आपको एक ही प्रकार से मैसेज आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी नंबर आपको एक आया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं विद इन 72 आवर, तो आप लास्ट के 72 घंटा के अंदर में अपना एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं एटीएम मशीन पे जाके। जब तक आप एटीएम मशीन विजिट नहीं कीजिएगा तब तक आपका एटीएम पिन नहीं बनेगा। जब आपको ये मैसेज आ जाते हैं तो आपको 24 आवर के अंदर अंदर में आपको किसी भी एसबीआई के एटीएम मशीन पे जाना है और आपको अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में स्वाइप करना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं आप कार्ड के अब आप पिन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एटीएम मशीन पे जाइए और कार्ड स्वाइप कीजिए, उसके बाद आप बैंकिंग में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर हम बैंकिंग में क्लिक कर देते हैं। बैंकिंग में क्लिक करने के बाद आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, हिंदी इंग्लिश, तो आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 डिजिट का कोई भी नंबर टाइप करना होगा, तो आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 टाइप कर सकते हैं या 3 2 टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप करके कर दीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपका पिन पूछेगा, तो आपको जो अभी ओटीपी नंबर मैसेज आए हैं आप उस ओटीपी नंबर को यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो कितने बैंक में आपको 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, कितने बैंक में आपको 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, तो आपको जो भी ओटीपी आते हैं ओटीपी नंबर टाइप करके यस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको पिन चेंज का ऑप्शन में क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम पिन चेंज का ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज इंटर योर न्यू पिन, तो आप अपने मन से यहाँ पर 4 डिजिट का पिन टाइप कर दीजिए, यही आपका एटीएम पिन बन जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम 4 डिजिट का पिन टाइप कर दिए हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू में क्लिक कीजिए, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज रीएंटर योर न्यू पिन, तो जो पिन आप अभी जस्ट टाइप किए थे वही पिन आप रीएंटर यहाँ पर फिर से टाइप कर दीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। जब आप कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से एक मैसेज आ जाएगा, योर ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस प्लीज वेट। उसके बाद आपके सामने एक इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पिन जनरेशन सक्सेसफुल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ अब आपका पिन बन चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आप तो बोलते हैं एसएमएस के थ्रू और आप यहाँ पर एटीएम मशीन के बारे में भी बता दिए हैं, तो आप एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं, यानी आप ओटीपी मंगवा सकते हैं एसएमएस के थ्रू, लेकिन आपको पिन चेंज करने के लिए आपको एटीएम मशीन पर ही जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए।